उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा निःशुल्क राशन वितरण करने का आदेश जारी किया गया है। उसी क्रम में जनपद मिर्जापुर के तमाम कोटेदारों के द्वारा निरंतर कार्ड धारकों को मुफ्त में राशन मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन आज नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रत्नाकर मिश्रा को कुछ कार्ड धारकों ने शिकायत किया कि उनको निर्धारित तय मानक के अनुसार मुफ्त में राशन दुकानदार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। जैसे ही ये शिकायत रत्नाकर मिश्रा नगर विधायक ने सुना, तत्काल मौके पर पहुंचकर और लोगों की समस्याओं को सुना। विंध्याचल केवटान से बड़ी संख्या में दरअसल मुसहर जाति के लोग कोटेदार के द्वारा निःशुल्क राशन न दिए जाने की समस्या लेकर विधायक जी के यहाँ पहुँचे थे और उनका कहना था कि महामारी के दौरान हमको कोटेदार के द्वारा निश्चित और निर्धारित राशि का राशन नहीं दिया जा रहा है। इस पर तत्काल नगर विधायक ने लोगों की समस्याओं को जिलाधिकारी और जिला पूर्ति अधिकारी को अवगत कराते हुए इस पर कार्रवाई की मांग की है ताकि लोगों को निःशुल्क राशन मिल सके। किसी के हक के राशन को गबन करने का किसी को अधिकार भी नहीं है। रत्नाकर मिश्रा ने जिस तरीके से गरीबों के राशन पर डाका डालने की कुचेष्टा को पहले ही तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुल मिलाकर मिर्जापुर के अंदर एक इस तरीके के निर्णय के बाद कठोर संदेश भी जाता है कि कोई भी राशन की दुकान किसी के भी राशन के हक की हिस्से की मारामारी न करे और न तो जमाखोरी करे। मिर्जापुर से वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।